दोस्तों आज हम आए हुए हैं, आज हम अपना मकई का खेत देखने के लिए। और इधर देखिए, ये मेरा खेत है और देखिए किस तरह का मकई का भी खेती का सीजन है। तो इस तरह का भी आप लोग देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इस तरह का है। उसके बाद देखिए यहाँ मेरे खेत के बगल में यहाँ पे मखाना भी लगा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं मखाना का पौधा कैसा होता है, इस तरह का होता है जो कि आप लोग देखे भी होंगे और जो कि हम आपको दिखाने वाले हैं। देखिए इसके अंदर जो है, इसी के अंदर जो है फलता है, इस तरह का रहता है। और ये मेरा मकई का खेत है। मकई थोड़ा जो है कि दोस्तों ख़राब हो गया है, लेकिन मखाना जो है, ये मखाना का खेती भी इधर होता है। देखिए आप लोग अच्छा से देख सकते हैं, ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं इधर ही मकई का खेती होता है, मखाना का भी। तो ये पहले नहीं लगाया जा रहा था और अभी फ़िलहाल लगाया जा रहा है। इस तरह का ही खेती किया जाता है मखाना का, जो कि ये हम आपको दिखा रहे हैं बिहार से पूर्णिया ज़िला, जहाँ की ये जलालगढ़ ब्लॉक का, ये दंसार पंचायत का, ये रामदेली कम्बा का ये गांव है। और इधर ही जो है कि लगाया गया है। देखिए यहाँ पे दूर दूर तक देख रहे हैं आप, मखाना ही लगाया गया है। देखिए अगर आप लोग भी लगाना चाहते हैं मखाना तो आप संपर्क कर सकते हैं। हम इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे, आप लगा भी सकते हैं। आपको आप लोगों को कुछ नहीं करना है, वनले फुर खेत देना है। खेत देने के बाद जो है कि वो सारा खर्चे जो लगाएगा वही देगा, आप लोगों को कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ दूर दूर तक आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। और आप इस चैनल को भी, अजयपुर हेडलाइंस को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।